नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं एक्सेलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए अलंकार। अलंकार टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आज हम अलंकार को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो 12 से 13 फरवरी के आसपास आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है उसमें ज्वाइन आप नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस में इसकी डिटेल्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप अलंकार देख रहे हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है, इसकी परिभाषा है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब यहाँ पर बात करें कि शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। अनुप्रास, श्लेष, यमक और वक्रोक्ति जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अर्थालंकार में आते हैं दोस्तों, और एक है उभय अलंकार। अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहला अलंकार देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी परिभाषा व्यंजन वर्णों की आवृत्ति इस पर बार बार होती है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी दोस्तों। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर माँ जो है वर्ण की आवृत्ति हो रही है और यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार होगा। अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जाता, परिभाषा भी पूछी जाती है, साथ में आपको ये कविता या पद दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा अलंकार है। अगला है श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा है एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं। श्लेष का मतलब चिपका हुआ होता है और इसमें जो है एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जो है जुड़े होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरो मोती मानुष चून, रहीम की रचना है। तो यह जो उदाहरण है दोस्तों, इस पे श्लेष अलंकार है। आगे अगला जो अलंकार हम देख रहे हैं यमक अलंकार। इसमें क्या होता है, शब्द की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो है शब्द एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होगी लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए, बिहारी की रचना है। और यहाँ पर कनक कनक, एक सोना है गोल्ड और एक का मतलब धतूरा है, इस प्रकार से। अगला जो अलंकार है वो उपमा अलंकार। इसमें क्या है, समानता के कारण दो वस्तुओं में तुलना होती है, जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा उपमा, यहाँ पर उपमा की उपमा दी जाएगी। समानता के कारण दो वस्तुओं में तुलना की जाएगी। यहाँ पर तुलनात्मक शब्द की बात करें तो इस प्रकार के शब्द आते हैं सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान, सम, सरिस, तुल, इस प्रकार के शब्द जो है उसमें आएंगे। यहाँ पर उपमेय होगा जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान जिससे उपमा दी जाए। तो यहाँ पर उदाहरण हम देख लेते हैं, मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख उपमेय है यहाँ पर और चंद्र जो है उपमान है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, नंदन वन सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो यहाँ पर कुटिया जो है उपमेय है और नंदनवन जो है उपमान है, तो इस प्रकार से यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर अलंकार है वो है रूपक अलंकार। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप, अर्थात जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, उपमेय यहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। यहाँ पर मुख चंद्र है, तो यहाँ पर जो है उदाहरण है मुख चंद्र है। दूसरा है अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा, जिस प्रकार के जो उदाहरण है रूपक अलंकार के हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा की बात करें हम तो उपमेय में उपमान की संभावना, मानो मनु मन मनहु, जानो जनु जनहु। उदाहरण यहाँ पर मुख मानो चंद्र है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उपमेय में उपमान की संभावना और इस प्रकार के शब्द आएंगे, मानो मन मनु मनहु, जानो जनु जनहु।
मुख्य मानव चंद्र है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर उदाहरण होगा उत्प्रेक्षा का। एक अलंकार और देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक अति संयुक्ति अलंकार होता है जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे अति संयुक्ति अलंकार में हम देख सकते हैं हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब वहाँ पर बात की जा रही है कि अभी हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लगी है और लंका भी जल गई, निशाचर भी भाग गए। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें अति संयुक्ति अलंकार होता है, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं अति संयुक्ति के। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने